गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिया ठाकुर। स्वागत है आपका हमारी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर। तो सबसे पहले मैं आपके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। अब मैं आपसे पूछूंगी कि कौन बच्चे हैं जो हार नहीं मानते हैं और जिन्होंने ठान लिया है कि हमें अपना जो ड्रीम है वो पूरा करना ही है। ठीक है, यानी बात करें तो आज से आपका 5 to 6 months, 5 से 6 महीने आपके पास है किसको अपना ड्रीम पूरा करना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और जब आप मेहनत करोगे तो पक्का है ये एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी ही। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर हिंदी का जो आपका CUET का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा लास्ट का जो एग्जाम हुआ है 2022 CUET हुआ है वो पैटर्न आपका कैसा आया था। ठीक है, सिलेबस NTA का जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको पता ही है यहाँ पर कि आपको 50 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 50 में से जरूरी नहीं है आपको 50 ही करने हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 50 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब ये 40 क्वेश्चन आपका जो ड्रीम है ना, वो अगर आपके 40 खत्म हो जाते हैं वो आपका ड्रीम जो है वो पूरा हो जाएगा। अब ये 40 क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्पेशल की आज की जो क्लास है हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की ही बात करेंगे। ठीक है, जिसका कोड आपको 102 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है, यहाँ पर कोड आपको 102 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कैसे आपका एग्जाम का, पहले तो हम यहाँ सबसे पहले NTA का जो सिलेबस है उन्होंने क्या दिया था, पहले हम थोड़ा सा मैं आपको 2022 के जो सिलेबस था और उसका जो एग्जाम पैटर्न था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगी किस तरह से क्या हुआ था। अगर हम यहाँ NTA के सिलेबस की बात करते हैं, उसमें बताया गया था हमें सिर्फ हिंदी व्याकरण पढ़ना है। क्या आपको पढ़ना है? सिर्फ हिंदी व्याकरण, ये NTA के सिलेबस में था। ठीक है, फिर जब NTA का एक मॉक आया था जिसमें आपको सेम पैटर्न दिया गया था कि आपका एग्जाम इस तरह से आएगा, वहां क्या हुआ, जब हमने वो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए वहां एक नया ही कुछ हमें देखने को मिला था। हमें पता था कि हमारे यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आएंगे, यानी बात करें गद्यांश की। ठीक है, कि आपको गद्यांश आएंगे ही आएंगे। सेकंड, जब फिर हमने यहाँ NTA का जो एक मॉक आया था उसमें हमने क्या देखा है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी साहित्य से भी आपको आए मिले हैं। ठीक है, पहले हम पूरा हिंदी व्याकरण को लेकर चले, हमने पूरी तैयारी की है जो 2022 का सेशन रहा था, फिर जब हमने NTA का मॉक देखा उसके बाद हमने फिर साहित्य की भी तैयारी शुरू कर दी थी। यानी अगर बात करें कि हिंदी में आपको कोई सिलेबस छोड़, कोई टॉपिक छोड़ना है सिलेबस से, तो मैं बता दूं नहीं। अब आपको व्याकरण में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा साहित्य की बात करते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, यानी कि अगर हम मिनिमम लगा कर चलते हैं और मैक्स हम लगा कर चलते हैं, ये आपको 10 से 12 क्वेश्चन तक भी आपको जो है CUET के हिंदी एग्जाम में आए मिले हैं। वो तरीका अलग अलग था हर एक एग्जाम को, जो बच्चे एग्जाम देने गए थे पूछने का तरीका अलग अलग था, किसी को किसी वे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब फिर आपको पता है कि गद्यांश है, 3 गद्यांश आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, 3 भी आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके एग्जाम में 2 गद्यांश भी मिले हैं, और कुछ जैसे हमने डिस्कस की काफी सारे बच्चों से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था, क्या था। कुछ बच्चों का कहना यह भी था कि मैम हमारे एग्जाम में गद्यांश आए ही नहीं है, और कुछ का कहना था कि हमारे एग्जाम में 3 गद्यांश आए हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम में 2 या फिर 1। इस तरह से जो पैटर्न था एग्जाम का, सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 तरह के गद्यांश करने हैं, फैक्चुअल, नरेटिव और जो लिटरेचर है।
ठीक है, उससे रिलेटेड, यानी कुछ आपके ऐसे होंगे जो वास्तविकता पर आधारित होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो यानी जो उनका, उनके बारे में आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से कुछ कथात्मक आपके जो गद्यांश होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ यहाँ पर साहित्य से रिलेटेड आपके जो गद्यांश है वो आएंगे। यानी बात करें कि यहाँ 15 से 16 क्वेश्चन आपको, 3 आपके गद्यांश होंगे, ठीक है, 5-5 भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यानी एक गद्यांश से आपको, एक गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे आपको एक गद्यांश से, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी अगर बात करें, एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का है, ठीक है, तो एक गद्यांश यानी 5 क्वेश्चन, तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश के हो गए हैं। अगर आप गद्यांश को बहुत अच्छे से करते हो तो ये आपके 15 क्वेश्चन आपके यही सही हो जाते हैं, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर गद्यांश आपका क्लियर है, 3 गद्यांश होंगे जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। फिर आती है यहाँ पर व्याकरण की बारी। अब यही है, इसी, यही मैंने आपको बताया कि 22 में जो सिलेबस था ना वो इसी तरह से ही था, काफी सारे जो टॉपिक थे व्याकरण के वो दिए गए थे, जिसमें से यहाँ दिया गया है वर्बल एबिलिटी दिया गया है, रीअरेंज द पार्ट्स दिया गया है, करेक्ट वर्ड, ठीक है, एनोनेम और सिनोनेम और एंटोनेम्स दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर वोकैबुलरी दी गई है। अब जस्ट ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, और जो एनटीए मॉक था वो बिल्कुल डिफरेंट था, एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट आया है, काफी सारे माना जाता है कि संज्ञा सर्वनाम नहीं आए हैं, बट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं, ठीक है, और हर एक बच्चे का एग्जाम का जो पैटर्न रहा था वो भी डिफरेंट डिफरेंट था। तो आपको ये मानकर चलना है कि आपको पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ना है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना नहीं है, यानी वर्णमाला से बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम वर्णमाला के ही बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक माना जाता है, ठीक है। वर्णमाला से शुरुआत करके हम पूरा हमारा यहाँ पर वर्णमाला होगा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यानी अविकारी और विकारी, जितने टॉपिक इनके अंदर रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, मुहावरे भी पूछे गए थे वो भी हमें पढ़ने हैं, लकोक्तियां पढ़नी है, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उनको आपको पुनर्व्यवस्थित करके लिखना है, ये भी आपको पढ़ना है, यानी टोटली सिलेबस आपको हिंदी के लिए पढ़ना है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी, हिंदी व्याकरण आप पढ़ लोगे, हिंदी व्याकरण आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है जी, हमारी हिंदी व्याकरण की बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। अब अगर कहीं ना कहीं जो बच्चे लास्ट टाइम जिनका सिलेक्शन होने से कुछ नंबर से वो रह गए हैं, यही उनका रीजन रहा है, व्याकरण उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य से जैसे ही क्वेश्चन आए उनका स्कोर एकदम कम हो गया, ये एक रीजन रहा था, क्योंकि सिलेबस की माने तो कहीं भी आपको साहित्य नहीं दिया है, और एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हिंदी साहित्य से देखने को मिले हैं, तो इसलिए व्याकरण में आप फिर भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, साहित्य में आपको रचनाएं आ जाती हैं या फिर कुछ और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, यही से आपका जो स्कोर है वो लास्ट टाइम काफी बच्चों का इसी वजह से कम रहा है। अब यहां मैंने आपको जैसे हमारे जो लास्ट लाइव सेशन चले थे उनमें बताया भी था कि आपको ये राइटर आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट आपका एग्जाम था इसलिए थोड़ा सा इजी लेवल भी था एग्जाम का, बट आपका जैसे जैसे ये कॉम्पिटिशन आपका बढ़ता चला जाएगा, एग्जाम का लेवल आपका उस हिसाब से हाई होता चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, व्याकरण की लाइव सेशन हमारे शुरू होने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर के बिल्कुल स्टार्टिंग जो बिल्कुल इजी टॉपिक रहेंगे वो हम करेंगे, धीरे 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 हम यहाँ पूरा व्याकरण कंप्लीट करने के बाद साथ में ही हमारा साहित्य भी शुरू हो जाएगा, जिसमें अगर साहित्य की बात करते हैं जहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चन 2022 में मिले थे, सबसे पहले यहाँ आदिकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे, आदिकाल की पूरी डिस्कस हम करेंगे, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हम छोड़ेंगे पूरे आदिकाल में से कि आपको CUT में आया मिले और आपने वो पढ़ा ना हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारे लाइव सेशन शुरू होंगे,
हमारी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप की एक ये खासियत बात है कि आपको और जब आपको लाइव सेशन करवाया जाएगा, लाइव क्लासेस आपकी शुरू होंगी, एक एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, चारों का आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में भी समझाया जाएगा और आपको फ्री पीडीएफ भी लाइव सेशन का मिलेगा, ठीक है। यानी चार ऑप्शन होंगे, चारों की आपको पूरी की पूरी व्याख्या दी जाएगी कि क्यों, क्या रीजन है ये आंसर सही नहीं है और तीनों गलत क्यों है, चाहे वो आपका व्याकरण हो और चाहे वो आपका साहित्य हो, ठीक है जी। पहले हम पूरे आदिकाल को कंप्लीट करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिसाइड है आपको किस तरह से लाइव सेशन की क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो एक बार जरूर शेयर और लाइक करना मत भूलिए, आपका शेयर और लाइक मेरी जो हिम्मत है वो दोगुनी कर देता है और मेरा मन करता है कि मैं आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करवाऊं सिलेबस कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सिलेबस में से ही मिले, ठीक है। आदिकाल हमने कर लिया जी, आदिकाल को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट राइटर होंगे। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारी ऐप पर आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं, साहित्य का पूरा सिलेबस, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो फिर वो भक्ति काल हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं रीति काल हो, ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा आधुनिक काल। चारों कालों का हम बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब हम करेंगे, चैप्टर को टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से राइटर, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, बिल्कुल इजी होता है, बट जब हम इनको इनको काल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना रहती है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज हर चीज करवाऊंगी ताकि कई बार इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है वो भी हमारी उम्मीद ना रहे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड के हिसाब से जो जो राइटर इस टाइम पीरियड में होंगे ये आपका होगा। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक काल हमारा हो गया, फिर हम गद्य साहित्य की बात करते हैं। जितना हमारा गद्य साहित्य होगा उसको भी हम कवर करेंगे सिलेबस में, क्योंकि हमारी ऐप पर पूरा सिलेबस ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है ये आपको हमारी जो लर्न करो ऐप है उस पर देख सकते हैं, साथ में जब लाइव सेशन शुरू होंगे वो हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि यही आपका एक ऐसा पोर्शन रह जाता है जहां से आपका जो नंबर है वो कम होने की उम्मीद रहती है, ठीक है। अब व्याकरण आप कर लोगे इजी, मुझे पता है व्याकरण इतना मुश्किल नहीं होता। लास्ट टाइम भी बच्चों का यही कहना था कि मैम साहित्य कहाँ से करें, जो लास्ट टाइम हम गलती किए हैं वो इस बार नहीं करेंगे, इस बार हम स्टार्टिंग से ही अपना इस तरह से बेस बनाकर चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। अभी से आप अपना इस तरह से रूटीन बनाकर चलिए कि आप अच्छा स्कोर, आप अपना ड्रीम पूरा कर सको, ठीक है। तो पूरा हम हिंदी साहित्य को इस तरह से पढ़ेंगे, काल के अकॉर्डिंग कौन कौन से यहाँ पर रचनाकारों को पढ़ना है, कौन कौन से लेखक होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी साहित्य से लेकर व्याकरण में हम वर्णमाला से लेकर के पूरा हिंदी का जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, चाहे उसमें वर्णमाला हो, ठीक है, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद हमारे जो लकोक्ति हुआ, मुहावरे हैं, और भी काफी सारे व्याकरण के टॉपिक हैं, वो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही करेंगे, ठीक है। जल्द ही हमारे लाइव सेशन शुरू होंगे जिसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस है आपके सामने, मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है कि इस तरह से हमारा जो टारगेट है सीयूईटी का, जब भी आपका एग्जाम होगा उस तक हमें कम से कम दो बार इस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हिंदी की अगर क्लासेस लेनी है तो कहाँ से लें, साहित्य को पूरा टाइम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है तो आपको लर्न करो ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री और पेड बैचेस भी मिलेंगे। ये जब हमारे लाइव सेशन शुरू होंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको फ्री वाली जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेंगी और पेड बैचेस में अगर आपको पूरी हिस्ट्री, सॉरी पूरा हिंदी साहित्य और पूरा हिंदी व्याकरण डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये क्लासेस लेनी होंगी लर्न करो ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर आपको हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन CUET से रिलेटेड, हमारे लाइव सेशन कब होंगे, किस सब्जेक्ट का लाइव सेशन कब है, हर तरह की इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पर गोकुल विद गोकुल छाबड़ा सर के नेम से है,
वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन इंडियाज बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी सीयूटी के स्टूडेंट हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको लाइव सेशन कहाँ मिलेंगे। काफी सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, तो आपको लाइव सेशन जब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, जल्द ही आपसे मिलेंगे हम लाइव सेशन में, आपको गोकुल छाबड़ा सर के नेम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करना है। आपको हर तरह की लाइव क्लासेस वहां पर हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ में क्या होगा, जो हमारा लाइव सेशन होगा उसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर ऐप पर दिया जाएगा, प्लस आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को, सेशन को आज के शेयर करना है। जितना आपका प्यार मुझे मिलेगा, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक आपके मिलेंगे, उसी हिसाब से हम आपके लिए अच्छे से अच्छा जो सिलेबस है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। और कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे जिनका CUET 2022 में हिंदी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनसे हम लाइव भी आपकी बात करवाएंगे, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। लाइक शेयर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जल्द ही मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।